सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रत्येक मानव समूह परंपरागत तौर पर अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को स्मृतियों के माध्यम से सुरक्षित रखता है। कुछ पूर्व की सामाजिक सांस्कृतिक घटना दंत कथा बन जाती है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। इसी तरह कुछ विरासत जिसे हम स्मृतियां भी कह सकते हैं लोक गाथा के रूप में सजो कर रखी जाती है। इन गाथाओं में एक सबसे प्रसिद्ध गाथा है बिहला विषहरी की, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य चंपानगर भागलपुर में जिला धरती के नीचे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। लोक गाथा इस क्षेत्र में गुलाब की खुशबू की तरह सदियों पूर्व लगभग 375 वर्ष पूर्व की बातें हैं। अंग क्षेत्र में बहुत रजवाड़े हुए जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। बिहला गाथा कलियुग की गाथा है। चंपक नगरी जनपद अंग प्रदेश इतिहास में ये मैना नाम से तथा चंपा चौपाई नाम से जाना जाता है, जो आज वर्तमान में रेशमी शहर भागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वापर युग में यह कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की राजधानी थी। आज भागलपुर को सती बिहुला पर गौरव है। सावित्री के बाद किसी नारी ने यदि अपने सतीत्व के बल पर मृत पति को जीवित कराया है तो वो है सती बिहुला। ग्रामांचलों में आज भी केशोसाव विरचित लोक महाकाव्य बिहुला विषहरी अति लोकप्रिय है। भाद्र मास के सिंह नक्षत्र के प्रवेश काल में प्रत्येक वर्ष बिहुला मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एक महीने पूर्व से पहल पूजन होता है। इसका समय सिंह नक्षत्र के जन्म और देवी का पूजन तथा बालाडंस, ये तीनों घटना एक ही दिन होती हैं। ये घटना सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ होती है। जहाँ तक इस नक्षत्र का सवाल है, जो हमेशा अडिग रहता है यानी बदलता नहीं है। ओम अस्तिकास्य मुने माता भगिनी वासुकेर तथा धर्तकारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बिहुला और लखिंदर देवलोक की शाप भ्रष्ट उषा और अनिरुद्ध थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी सती स्त्रियां हुई वे अपने पति के साथ परलोक सिधार गईं, पर बिहुला ही एकमात्र ऐसी सती हुई जो अपने पति के साथ जिंदा रही। सती बिहुला एकमात्र सती है जो जीवित पति के साथ मृत भुवन पर आई और पुनः अपने ससुर से पूजा दिलाकर पुनः जीवित स्वर्ग चली गई। ये कथा सती बिहुला कथा अंग प्रदेश बिहार भूमि को वरदान दे गई। यह कथा किंवदंती नहीं अपितु सत्य कथा है, ऐसा माना जाता है।
शहरी पांच बहन मनसा शंकर की मानस पुत्री हैं। इनकी उत्पत्ति शिव की जटा से हुई है। इन पांचों बहनों में बड़ी का नाम मैना विशहरी, दूसरी दोतिला भवानी, तीसरी पद्मा कुमारी, चौथी जया विशहरी और पांचवी का नाम माया विशहरी है। अहिला जन्म भेले देवा मैना देवी विशहरी रे, भला पहिला जन्म भेले मैना देवी विशहरी जन्म भेले देवा दुतिला रे भवानी रे, भला दुसहरा जे जन्म भेले दुतिला जे भवानी माया रे। जन्म भेले देवा पद्मा दे कुमारी रे, भला तीसरा जे जन्म भेले पद्मा दे कुमारी माया हे। चौथा जन्म भेले जया देवी विशहरी रे, भला चौथा जे जन्म भेले जया देवी विशहरी माया हे। पाँचवा जन्म लेलकै माया देवी विशहरी रे, भला पाँचवा जे जन्म लेलकै माया देवी विशहरी माया हे। देवी अवतार के बाद पांचों बहन मनसा रोती हैं और अपने पिता भोलेनाथ से कहती हैं कि बाबा, आपने जन्म दिया अपनी जटा से उत्पन्न कमल फूल से हम पांचों बहनों का जन्म हुआ है। इस बात को संसार कैसे जान पाएगी? आपकी पुत्री होने के नाते मेरी पूजा लोग कैसे करेंगे? और पांचों बहन ये कहकर रोने लगती हैं। तब हमारे भोले बाबा उन पांचों कमल के फूलों को, जिसमें देवी अवतार मनसा की छवि छुपी हुई थी, को लेकर स्नान के बाद अपनी झोली में रख लेते हैं और बाबा भोलेनाथ अपने मठ पहुंच जाते हैं। झोली को एक खूंटी पर टांग देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम इस झोली को मत उतारना। उसके बाद बाबा ध्यानस्थ हो जाते हैं। बाबा के ध्यानस्थ होने के बाद पार्वती जी के मन में एक शंका पैदा होती है कि आज तक भोलेनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा जैसा आज कह गए हैं। पार्वती आखिर नारी ही तो है, शंका होना जरूरी है। भोलेनाथ की मनाही के बावजूद भी माता पार्वती खूंटी पर टंगी झोली को उतार लेती हैं। जब पार्वती जी उस झोली में पांच फूल कमल का देखती हैं, इन पांच फूलों में सुंदर कन्या देखकर ये कहती हैं कि ये भोलेनाथ ने मुझे इसलिए ही मना किया था। और पार्वती ने उन पांचों बहनों को सौतन कहकर बुरे शब्दों का प्रहार करती हैं। वो पांचों सुंदर कन्या पार्वती को माता कहती हैं, परंतु जब पार्वती ने उन्हें जन्म ही नहीं दिया तो वो माता अपने आप को कैसे मानेंगी? और इन बातों से बातें बढ़ती चली गईं।
माता पार्वती उन पांचों बहनों को बुरे शब्दों से प्रहार करती हैं। उनका क्रोध बढ़ने लगता है। तब दोतिला भवानी कहती हैं, बहनों माता पार्वती को समझाना अब व्यर्थ माना जाए। बहन दोतिला के परामर्श से सुतिया नाग पार्वती को डस लेता है। ध्यानस्थ भोलेनाथ जी जब आंखें खोलते हैं तो पार्वती के नजदीक जाकर कहते हैं, उठो पार्वती। पर पार्वती नहीं उठती हैं। भोलेनाथ घबरा जाते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं कि आखिर ये दृश्य किस तरह से उत्पन्न हुआ है। ध्यानस्थ शिव देखते हैं कि पांचों बहन मनसा, जिसे उन्होंने कहा था कि बेटी अंग देश में एक राजा है जिसका नाम चांदो सौदागर है, वो चंपा चौपाई नगर का वणिक है जो 33 करोड़ देवी देवताओं का परम भक्त है। वो अगर तुमको पूजा देता है तो तुम्हारी सारे संसार में प्रसिद्धि फैल जाएगी। ये बातें भोलेनाथ ने पांचों बहन को पहले ही समझा कर कह दिया था। भोलेनाथ के आह्वान पर पांचों बहन वहां उपस्थित हो जाती हैं और माता पार्वती को होश में लाती हैं। पार्वती भी उनकी इन बातों को समझकर चांदो सौदागर के पास जाकर कहती हैं, अरे बनिया, तुम्हारे पास पांच सुंदर कन्या आने वाली हैं, जो तुमसे पूजा मांगेंगी। तुम उसे अगर पूजा दे दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ की पूजा स्थली से चली जाऊंगी। वो पांचों कन्या मेरी सौतन है। बनिया सारी बातें समझकर कहता है कि माँ, आपके कहे अनुसार मैं उन कन्याओं का पूजन कभी नहीं करूँगा, मेरा ये संकल्प है। इस वाणी को सुनकर बनिया को देवी पार्वती ने एक प्राण रक्षक हेमतारा अस्त्र प्रदान किया। हरे जय बाबा तो बनिया यात्रा पर निकल जाता है। जब जहाज आगे बढ़ता है तो दृश्य भयावह हो जाता है। त्रिवेणी के धारा में सोनामुखी जहाज 56 कौड़ी मल्लाह डूब जाते हैं। अधमरा चांदू सौदागर विकट स्थिति में अपने घर पहुंचता है। हरे जय बाबा ला के जन्म रे भेले चंपा चौपाई नगर वाला
मनसा विश्वकर्मा को लोहा बांस के घर में एक छिद्र के लिए कहती हैं। चांदू सौदागर अपने बेटे के लिए लड़की खोजने जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कुछ लड़कियां एवं एक वृद्धा स्नान कर रही हैं। मनसा बनी वृद्धा एक लड़की को शाप दे देती हैं कि तुम विवाह रात में ही विधवा हो जाओगी। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को जीवित करूंगी। ये कहकर वह कन्या यानी बिहुला अपने घर चलने लगती है। चांदू सौदागर भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बुढ़िया के भेसा के माता के बिहुला का दिल जे सराफर भला। बुढ़िया के भेसा के माता बिहुला का दिल जे सराफर राती के लगे बिहुला के राण तहू जे हुआ बेरे वाला विवाह के राती के बिहुला राण को जे हुआ बे बिहुला गे अपराध गे पुड़िया गे कहना दिल जे सरा परे भला। बिनु अपराध गे पुड़िया मोरा का दिल जे सरा पर माया वाजे देखावे रे पाला देखावे देखावे के बुढ़िया सत्तावाज हमारे माया है। पहला ही गे बिहुला गे काजल टिकी जे देखावें रे भला। पहला ही घूम गे बिहुला काजल टिकी जे देखावें बिहुला गे। बिहुला के पिता बासुलाल सौदागर अपनी पत्नी से कहता है कि महाकाल चांदू सौदागर अपने दरवाजे पर आया है, लगता है कोई विपत्ति आने वाली है। बासुलाल चांदू सौदागर का स्वागत करता है। चांदू कहता है कि मैं लोहे की कलाई की दाल लाया हूँ, इसको जो भी कन्या कच्ची हांडी कच्चा ढकना कच्चा चूल्हा पर पकाकर खिलाएगी उसी कन्या के साथ मैं अपने पुत्र बाला लखिंदर की शादी करूँगा। बिहुला लोहे की कलाई दाल को उसी विधि से पकाकर चांदू सौदागर को खिलाती है। शादी की बात पक्की हो जाती है। का सर वाला भोला रे महादेव रे चांदू नेवता जे बैठावे माया है। कोटी देवर बनिया दे नेवता जे बैठावे रे वाला बरन बरन रे देव नेवता जे बैठावे माया है।
गरी दे चांदो दे घर घूरी दे आई ले दे वाला बांगलाऊ पर रे चांदो हार भाई जे गई दे माया इतना देखिए हे सोनी का जी पलख पड़ी मारा ले दे वाला इतना देखिए के सोनी का जी पलख पड़ी मारा ले माया तुम्हारा लेके सोनी का सूप तो जे बुढ़ानी रे भालाता बतो मारा लेके सोनी का सूप तो जे बुढ़ानी माया अरे रे बापूढ़ानी मारी ये गे सोनी का साहू कटियाले धकेल रे बाला बूढ़ानी मारी ये गे सोनी का साहू कटियाले धकेल माया अरे देवा एते ते काम के सोनी का ताहू भाला जे कराले रे भाला एते ते काम है सोनी का ताहू भाला जे कराले माया टोला गाली है सोनी का साहू सज जवाब रे बाला टोला टोला गाली है सोनी का साहू सज जवाब माया कन्या का जे छाई है साहू ऊंचा तो जे कपाल माया हरे देवा कन्या का जे छाई है साहू ऊंचा तो जे कपाल रे बाला कन्या का जे छाई है साहू ऊंचा तो जे कपाल माया छाइए साहू भोर पक्का जे अंगूरी रे बाला ब्राह्मण के कहला है साहू इतना काजल करला माया
चांदू सौदागर विश्वकर्मा को बुलाकर मनसा के कहे अनुसार लोहा बांस का घर बनवाता है। बेटा बाला लखिंदर का विवाह कर लोहे बांस के घर में भेज देता है और पहरे में मुक्कनी हाथी, मुगल पठान, बिज्जी खटबार, खोखना बिलाय अनेक सिपाहियों का पहरा लगा देता है। बनिया अपना फर्ज निभाता है और बाला लखिंदर का विवाह कर चंपा चौपाई में आ जाता है तथा लोहे बांस के घर में बाला लखिंदर और बिहुला को भेज देता है। अरे देवा सखी दसावा हे साहूनी आना ले जे गुलाई रे देवा हालती उबटाना हे साहूनी बाला ले चारो को ना देखे है साहूनी नागा नागा ही भरल रे बाला चारो को ना देखे है साहूनी नागा नागा ही भरल माया देखिए लोहा बांस के घर में चले जाते हैं। देवी मनसा जमकर बारिश करवाती है। भयंकर बारिश से सारे पहरेदार भाग जाते हैं। पहरेदारों के नहीं रहने पर मनसा ने लोहे बांस के घर में विश्वकर्मा द्वारा छोड़े गए सुराग से मनियार नाग को प्रवेश कराती है और बाहर से कहती है, रे नागा जल्दी से तू बाला लखिंदर को काट ले। नागा मणियार चारों ओर पहले घूम कर देख कर बाला के सिरहाने में सोने की कटोरी में दूध देखता है। नागा मणियार उस दूध को पी लेता है। इसके बाद नागा मणियार कहता है कि मैं कैसे बाला लखिंदर को दसूं? मैंने इसका नमक खाया है। बाहर से विषहरी कहती हैं कि तुमने एक दिन इसका दूध पिया और कहते हो इसे कैसे दसूं? तूने तो मेरा सब दिन नमक खाया है। तुम किस घमंड में फूल रहे हो? सवेरा होते ही यदि चांदू सौदागर तुम्हें देखेगा तो मार फेंकेगा। तुम आखिर किस घमंड में हो? रे नागा मणियार जल्दी से बाला को काट ले। लेकिन नागा चुप होकर के बाला के संपूर्ण स्वरूप को और बिहला के स्वरूप को सोए हुए पति पत्नी के रूप में देखता है कि दोनों कितना सुंदर है। नागा मणियार कहता है कि माँ किस कसूर के कारण इसे काटूं? क्योंकि मुझे भी जवाब देना होगा। बेकसूर बाला लखिंदर को हम कैसे काटेंगे?
माता विषहरी कहती हैं, तू उसके बाएं पैर के पास जाकर बैठ और मैं माया से मच्छर छोड़ देती हूँ। जैसे ही वो अपना पैर पटकेगा वैसे ही तुम उसके बाएं पैर की छोटी उंगली को डस लेना। इतना कहने के बाद नागा मणियार बाएं पैर के नीचे बैठ जाता है। चलावे चलावे रे बाला रे लोहा बांस के धार रे बाला जला दी चलावे रे बाला रे लोहा बांस के धार माया देवा के वाला खोलिए दे बनिया चांदो सौदा दे वाला के वाला खोली दिल के रे दैवारी चांदो बनिया सौदा गर माया वाला लोहा पास केरा घर रे बनिया रे केरा ताहूं जे खोला रे माया लोहा पास घर रे दैबा रे पाला रे पीहू लगाई ले रे वाला लोहा पास घर रे दैबा रे पाला पीहू चलावे स्वामीनाथ लोहा बांस के घर रे बाला जला दी चलावे स्वामीनाथ लोहा बांस के घर माया लोहारे बांस दे रही बेरे बाला लोहा बांस के रखा रहे सामीना आज हो हरे दैबा के बड़ा लगा मेरे दैबा रे चांदो बनिया सौदागर रे बाला के बड़ा लगा मेरे दैबा रे चांदो बनिया सौदागर माया। नाग मनियार द्वारा बाला को डसने के बाद वो बिहुला से कहता है कि तुम मुझे गवाह के रूप में रखो ताकि मैं इंद्र की सभा में कह सकूं कि तुम सब बेकसूर हो और मनसा के कहने पर मैंने बाला को नसा है। रंज कहटाएगे माता के नागा का दियल धकेल रे बाला रंज कहटाएगे माता के नागा का दियल धकेल Thank you.
हरे देवा लोहा बासा घर रे नगारे खजूठा जे लगा रे रे पाला लोहा बासा घर रे नगा खजूठा जे लगा ले माया बाला के सिर हो नारे छेले देवा दूध के राजे कटोरी रे फाला बाला के सिर हो नारे छेले दूध के रोजे कटोरी माया रे नगारे बोला तो जे लगा ले रे भाला दूध पीबिए रे नागा बोला तो जे लगा ले माया नाटन सवेरे जय बारे बाला लखिंदर रे बाला हामा नाटन सवेरे जय बारे बाला लखिंदर माया भाला ऐसन सुंदर बाला रे दैवा रे हामा नाही जे डंसावे माया ऐसन सुंदर बाला रे दैवा रे हामा नाही जे डंसावे रे बाला दूधवा के सरियत्रे दैवा रे चांदो काज दियावे माँ हरे दैवा दूधवा के सरियत्रे दैवा रे चांदो काज दियावे रे बाला देखा तो रे नगारे मारी का देखा तो रे भाला चांदवा देखा तो रे नगारे मारी का देखा तो माया अरे देवा बोला तो गाली है माता है मैना देवी विसारी रे भाला बोला टोला गाली है माता मैना देवी विसारी माया जलदी जलदी टिंगरा रे बाला लखिंदर रे बाला जलदी कंसा मेरे नागा बाला लखिंदर माया गोल
सा थारी जाए रे ना करे ताहूं तो जे बैठा रे रे बाला गोरा थारी जाए रे नागा जाई काजे बैठा रे माया आले देवा मच्छर छोड़ी दल करे देवा रे मैं ना देवी विसारी रे बाला मच्छर छोड़ी दल करे देवा रे मैं ना देवी विसारी माया। चांदू सौदागर बाला की मौत की खबर सुनकर डूम को आदेश देता है कि उसकी लाश को उसर टिक्कर में फेंक दे और बिहुला को अपने घर ले जाए। बेटा के दरा दरे दैबारे तनी को नाही जेला गए छेदे भाला बेटा के दरा दरे दैबारे तनी को नाही जेला गए छे माया। अरे देवा आजू दिन बरे बनिया मछली भात जे खाई तेरे बाला ताबा तो फेंक तेरे देवा बाला के राजिला हास माया। साहूनी बचन रे साहू के बचन है साहूनी राख ले परमान रे बाला खोई ता भारी कौड़ी है साहूनी ताहू बालू रे लिया ले माया। चली जब भेला है साहूनी तेरी तो जे बाजार रे बाला कौन घर छाई रे कई बारे किरो घर माया। आजे देवा गोढ़िया के घर है साहूनी जाई तो जे जुमाली बाला गोड़िया के घर है साहूनी जाई तो जे जुमाली माया। सुनवे सुनवे दे गोड़िया बचनी दे हमारे रे बाला बाला डंस हुआ रे रे दैबा रे लोहा बांस के घर माया। आजो दिन आवा रे गुड़िया रे मछली भात देखाई तेरे बाला आजो दिन आवा रे छली भात दिखाई ते माया। काबा तू फेंक तेरे गोड़िया बाला के राजे लहास रे बाला गोकुल गंगा घाट रे गोड़िया जालबाजे फेंका रे माया। गोकुल गंगा घाट रे गोड़िया रे जालबाजे फेंका रे रे बाला से मापुर के घाट रे गोड़िया मछली कैले टाल माया। विश्वकर्मा निर्मित लोहे की मंजूषा में बिहुला अपनी गोद में माला लखेंद्र की लाश को लेकर गोकुल गंगा घाट से लेकर नेतुला घाट पर नेतुला धोबिन के पास पहुंचती है और उसे अपनी बातों से अवगत कराती है।
गोकुल गंगा घाट दे बनिया दे मां डोसा दे फेका ले दे पाला गोकुल गंगा घाट दे बनिया मां डोसा दे फेका ले माया बनिया दे दियाले जे लगाई दे भला तुई चारी डांगरे बनिया दियाले जे लगाई माया कहियो नाही डूबे रे दैबा दे माने रतो जे मंजो सादे बाला कहियो नाही डूबा रे रे दैबा दे मेरे तो जे मंजो समाया गोकुल गंगा घाट के प्यूला के आपी छूटा हूँ जे छोड़ा ले दे बाला पहुँची बारू गेले के प्यूला से मापुर के घाट माया गोकुल गंगा घाट के प्यूला के पी छूटा हूँ जे छोड़ा ले दे बाला पहुँची बारू गेले पूरा केरा घाट माया गलंतरी घाट के प्यूला गे गलंतरी घाट के प्यूला रे प्यूला गे बाला तो जे गलालो रे बाला गलंतरी घाट के प्यूला बाला तो जे गलालो माया हारे देवा पहुँची बारू के लगे बिहुला गे ने तुला केरा घाट रे बाला पहुँची बारू के लगे बिहुला ने तुला केरा घाट माया के मौसी के अम्मा मुरादे भेजा ले रे भाला सुना बे के मौसी अम्मा मुरादे भेजा ले माया कहूं जे लगा दे के अम्मा के। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। इंद्रासन में बिहुला शर्त करती है देवलोक से, 7 दिन 7 रात का एक दिन बनता है। बिहुला कैलाशपुरी जाती है और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो भोले बाबा कहते हैं,
कि तुम चिर सौभाग्यवती हो जाओ। इस पर बिहुला कहती है, एक विधवा को चिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद कैसे दिए महादेव? तो भोला बाबा कहते हैं, यह विधि का विधान है जो मिट नहीं सकता। तुम्हारे पति के प्राण मनसा के पास है, यदि तुम मनसा को प्रसन्न कर देती तो वे तुम्हारे पति को जीवन दान दे देगी। तुम्हें अधूरे नृत्य को पूरा करना होगा। बिहुला स्वर्गलोक में खूब नाचती है और देवलोक को खुश करके आशीर्वाद प्राप्त करती है तथा मनसा से तीन वचन प्राप्त करती है। सबसे पहला वचन मृत पति को जीवन दान, दूसरा वचन हमारे छहों भैंसुर का जीवन दान, तीसरा वचन 56 कौड़ी मल्लाह सोनामुखी जहाज एवं राजपाट का लौट जाना। इस पर मनसा एवं मस्तु कहती है और बिहुला से कहती है कि अगर तुम दोनों वचन दो कि तुम्हारे ससुर हमें पूजा देंगे। बिहुला वचन देती है, तब जाकर मनसा उसके पति को प्राणदान देती है और देवलोक को खुश करके अपने पति के प्राण, छहों भैंसुर के प्राण, 56 कौड़ी मल्लाहों के प्राणदान लेकर चंपा चौपाई नगरी में डोम डोमिन के भेष में आ जाती है और अपने ससुर से बिहुला कहती है कि माँ मनसा को पूजा दे दें। लाख मनाने पर नहीं मानने पर भोला बाबा स्वयं आते हैं और कहते हैं कि चांदो तो मनसा देवी को पूजा दे दो। इस पर चांदो कहता है, आज तक हमने दाएं हाथ से आपकी पूजा की है, इसलिए हम मनसा को बाएं हाथ से पूजा देंगे। इस पर मनसा कहती है, एवं मस्तु। तब जाकर चांदो मनसा को बाएं हाथ से पूजा देता है। चंपा चौपाई नगर आकर अपने ससुर से पूजा दिलाकर फिर बास डोम डोमिन के भेष में जीवित जाने लगती है तो चांदो रोकता है। इस पर भोले बाबा कहते हैं कि यही विधि का विधान है, इसका समय पूरा हो चुका है, तुम इसे जाने दो। तब बाला अपनी पत्नी बिहुला का आंचल पकड़कर जीवित स्वर्गलोक चला जाता है। सारे देवता फूल की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अंग जनपद की प्रमुख लोक गाथाओं में सती बिहुला प्रसिद्ध है। यह सत्य कथा है जो बिहार को गौरवान्वित करती है। इस प्रकार इस गाथा की समाप्ति होती है।